हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन एंड लव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर फ्लावर है। ये आप किसी में भी, किसी भी फ्रॉक स्वेटर कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम 70 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से चैन बनाते चले जाएंगे। टोटल 70 चैन बनाएंगे काउंट करते हुए। ये देखिए 70 चैन बन गई। अब हम यहाँ पे 4 चैन स्किप करके 5th में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए बन गई। इसके बाद एक चैन लेंगे, फिर एक चैन स्किप करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को क्रोशिया में लेंगे, उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चैन लेंगे, फिर एक चैन छोड़ कर स्किप करके फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इसको हमें पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएंगे। उसे एक चैन लेकर एक चैन स्किप करके डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी बेबी फ्रॉक में, बेबी स्वेटर में, कहीं भी लगा सकते हैं। ये इसी तरीके से इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए लास्ट तक इसको बनाते हुए जाएंगे। ऐसे एक चैन लेकर एक चैन स्किप करके डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट वाली लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। फिर 3 चैन लेंगे और उसी सेम स्पेस में एक स्लिप स्टिच। फिर से 3 चैन लेंगे, नेक्स्ट स्पेस में 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर उसी स्पेस में एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरीके से इसको पैटर्न को फॉलो करना। ये देखिए पेटल्स बनती जा रही है हमारी। फिर से 3 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर 3 चैन लेंगे, सेम स्पेस में एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे लास्ट तक। 3 चैन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर सेम स्पेस में एक बार स्लिप स्टिच। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी गलती है, कुछ गलत है जो आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद में। ये देखिए फ्रेंड्स बनता जा रहा है। किसी तरह पेटल्स बनाते जाएंगे हम इस सीक्वेंस को कंटिन्यू फॉलो करते हुए, लास्ट तक बनाते जाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे कलर्स बना दिए हैं, ये लास्ट तक बना गई पैटर्न के। लास्ट में एक चैन लेके आगे को कट कर देंगे, एक चैन लेके थ्रेड को कट कर देंगे, थोड़ा सा लंबा लेकर कट करेंगे लॉन्ग लेकर, क्योंकि इसी से हमको इसको टक करना है, पूरा सीखना है निडल से। देखिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे, तो इसे स्टार्ट किया था, और इसको उल्टा बैक साइड से फोल्ड करेंगे, जैसा इमेज में दिख रहा है आपको, बैक साइड से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से। देखिए फोल्ड करते जाएंगे, ये अपने आप फ्लावर का शेप ले लेगा, बहुत ही सुंदर फ्लावर है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी। और आपको जहाँ कहीं कमी लगती है तो प्लीज़ बताइए, उसको सुधारने की मैं कोशिश करूँगी। हाँ, थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये जो हम लोगों ने लॉन्ग ये थ्रेड छोड़ा था, इसको नीडल में डालकर इसको हम लोग टक कर देंगे। इसको पूरा टक करने का, अगर आप चाहें तो ऐसा ही रख सकते हैं, ऐसा ही, ऐसा भी फ्लावर बहुत सुंदर लगता है देखने में, पूरा टक करके। और अगर आप चाहें तो इसके बीच में मोती भी लगा सकते हैं, पर्ल बटन कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये और सुंदर लगेगा। और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ये ऐसे भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। चारों तरफ से, हर साइड से आपको इसको कट करना है अच्छे से। फिर आपको इसी जो थ्रेड बचेगा ना, इसी तरह से आप इसको किसी भी चीज में टक कर सकते हैं, बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है फ्लावर। इसे आप नॉर्मल बनाएंगे तो भी अच्छा लगता है, ऐसे ही लगाएंगे तो भी अच्छा लगता है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। और अगर आप इसको किसी भी फ्रॉक में या स्वेटर में कहीं भी लगा सकते हैं, देखिए मैंने फ्रॉक में लगाया हुआ है, इसे नॉर्मल भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बटन या पर्ल कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये भी फ्रॉक में मैंने लगाया हुआ है, इसमें मैंने लीव्स के साथ में बनाया हुआ है, लीव्स का वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने बीच में एक पर्ल लगाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए पर्ल लगा के कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है फ्लावर बनने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।